नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि क्या होता है और यह क्यों जरूरी है एमएसपी, थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फ्रेंड्स, आप लोग आए दिन न्यूनतम समर्थन मूल्य शब्द से जो है पेपर में आप लोग देखते हुइएगा, न्यूज़ में भी सुनते हुइएगा। सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य को आइए देख लेते हैं कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 जो है, आपको यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसमें सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 जो है, उसमें सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी को, आर्थिक विकास अर्थात इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट, सुरक्षा अर्थात सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन अर्थात डाइजेस्टर मैनेजमेंट। अब इसी आर्थिक विकास के अंतर्गत फ्रेंड्स ये आता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय और जन वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस। पीडीएस कहने का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, ठीक है, वितरण प्रणाली। फ्रेंड्स, न्यूनतम समर्थन मूल्य आए दिन आप लोग तो सुनते ही होइएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद हम जो भी चीज़ें लिखे हैं उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि न्यूज़ में आप लोग आए दिन सुनते होइएगा कि सरकार जो है किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना गुना करने की तैयारी में है, इतना गुना बढ़ाने की तैयारी में है। ठीक है, इतना गुने बढ़ाने को लेकर तैयार है या घोषणा किया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, इसको समझने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बात समझ लीजिए। किसान जो है, मान लीजिए कि भारत में तो एक बहुत बड़ा आबादी जो है आपको कृषि पर निर्भर है। भारत की लगभग 55% आबादी भी आज भी कृषि पर डिपेंड है, आपको पता है। ठीक है, 55% आबादी जो है यह कृषि से ही अपना रोजगार प्राप्त करती है। तो कृषि में देख लीजिए कि एक तरीके से बोला जाए कि बहुत विशाल जनसंख्या जो है लगी हुई है रोजगार के क्षेत्र में भी। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को थोड़ा समझते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, मान लीजिए कि कोई किसान है, वह उत्पादन करता है किसी भी फसल का। किसान जो है, भारत के किसान जो है किसी फसल का उत्पादन करते हैं, और क्या होता है कि उत्पादन जो है किसी वर्ष काफी ज्यादा होता है, मतलब अपेक्षा से ज्यादा हो जाता है। अगर उत्पादन अपेक्षा से काफी ज्यादा अगर उत्पादन हो जाता है तो उस स्थिति में आपको पता है कि मांग और पूर्ति का नियम जो है लागू होता है। अर्थात अगर ज्यादा उत्पादन किसी चीज का हो जाता है तो उसका दाम जो है ऑटोमेटिक गिर जाता है। सुने होइएगा कि किसी भी चीज का उत्पादन अगर ज्यादा होता है तो उसका मूल्य जो है गिर जाता है। ठीक है, और कम अगर उसका उत्पादन होता है तो मूल्य तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि किसान जो है किसी वर्ष प्रत्येक वर्ष अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका उत्पादन हो सके किसानों का। अब ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि दाम जो है ऑटोमेटिक गिर जाता है। अब उनका दाम उतना भी नहीं मिल पाता है जितना कि वह लागत लगा करके कृषि किए हुए हैं, अर्थात जितना उनका लगाई में लगा है, मेहनत मजदूरी सिंचाई सारा खर्च अगर दे दिया जाए, तब अगर उस सारा खर्च को ले करके अगर जाता है किसान मंडी में बेचने, तब भी उसका खर्च जो है उतना भी नहीं निकल पाता है। मुनाफे की तो बात छोड़िए ही छोड़िए, मतलब ये जितना उस लगाया उतना भी उसको नहीं मिल पा रहा है। तो उस स्थिति में ज़्यादा उत्पादन हो गया इस कारण, तो उस स्थिति में क्या करेगा सरकार, क्या करती है कि एक रेट फिक्स करती है, एक एक मूल्य फिक्स करती है, जो कि किसानों के जितने भी उसमें लागत लगाए होते हैं किसानों के, इसको हम नीचे बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो उसमें निर्धारण में यह देखा जाता है कि किसान जो है वह जितना भी लागत लगाया है, उसका जितना भी खर्च लगा है, उसकी भूमि का, उसके उसके घर का श्रम कितना लगा है, उसके जीवन निर्वाह का, उसका पारिवारिक श्रम भी लगा होगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, उसके बीज सिंचाई मशीन का उपयोग कीटनाशक उर्वरक इन सारे का मूल्यों को ध्यान में रख करके, और उसके इतर उसके जीवन यापन में उसके जीवन स्तर को ऊंचे उठाने के लिए उसको भी ध्यान में रख करके कुछ एक्स्ट्रा जो है उसको पैसा जोड़ करके और न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है और उस पर जो है किसानों से खरीदती है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी चीज़ का दाम जो है काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, उस स्थिति में क्या होता है कि सरकार जो है बाजार में एक तरीके से हस्तक्षेप करती है। ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो वो खरीदती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी खरीद लेगी, स्टॉक कर लेगी। स्टॉक की भी एक प्रक्रिया है, ज़्यादा सामानों को क्या करेगी खरीद लेगी और मार्केट में ऑटोमेटिक जो है सामान कम होगा फिर दाम जो है बराबर आ जाएगा, यह भी एक प्रक्रिया है। और दूसरा यह न्यूनतम समर्थन मूल्य का, ठीक है, तो दो प्रक्रियाएं हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा समझ लीजिए।
यहाँ पर पहले पॉइंट को देख लीजिए कि क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत में किसानों को उनकी उपज का ठीक मूल्य दिलाने और बाजार में कीमतों को गिरने से रोकने के लिए सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, और यह प्रत्येक साल जो है सरकार घोषणा करती है। ठीक है, क्या होता है कि बाजार में कीमतों को गिरने से रोकने, अगर ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका कीमत जो है गिरेगा, और कीमत गिरने से रोकने के लिए क्या करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देता है कि इतना ही में जो है खरीदना है। ठीक है, सरकार जो है उतना में जरूर खरीदेगी। सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की जो फसल है उसको खरीदेगी, और नहीं तो आपको बहुत ऐसी भी स्थिति देखने को मिला होगा कि अगर किसान को उनके लागत का सही दाम नहीं मिला होगा तो क्या करते हैं, अपने फसलों को सड़क पर जो है फेंकने लगते हैं। जैसे कि टमाटर को आए दिन, सब्जियों को और भी दाल को देखते हैं कि सड़क पे जो है फेंक देते हैं किसान। ठीक है, और इसकी बड़ी संख्या में अगर सही लागत नहीं मिल पाता है तो आत्महत्या भी करते हैं किसान। ठीक है, तीन सारी चीज़ों के चलते हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है ताकि किसानों की स्थिति जो है बेहतर बनी रहे और वह किसानों में जो है लगे रहें, उनको ऐसा ना लगे जो किसान जो है घाटे का सौदा है, घाटे का व्यवसाय है। ठीक है, तो इसी कारण जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को, कृषि लागत और मूल्य आयोग। यह एक आयोग है फ्रेंड्स, ये कमीशन है, यह एक सरकार का एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, विकेंद्रीकृत एजेंसी, जो सरकार का एजेंसी है और ये पूरे देश में है, और यह पूरे देश में यह देखने का काम करती है कि किसानों के बीज में, एक फसल में या दूसरी फसल में, मतलब अनेकों प्रकार के फसल में कितने बीज लग रहे हैं, उनके कितने प्रकार के उर्वरक लग रहे हैं, उनमें खर्च, बीजों के खर्च, सिंचाई खर्च, मेहनत, श्रम, ये सारा चीज़ जो है ये देखता है, और उसी के आधार पर पूरे देश भर में औसत निकालता है कि कितना जो है लगभग लगभग उत्पादन में खर्च लगा है, उसको ध्यान में रख कर के ही कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है इसी के सिफारिश पर जो है सरकार फसल बोने के पहले कुछ कृषि उत्पादों पर सार्वजनिक आपको समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, इसी के सिफारिश पर या अनुशंसा पर। कृषि लागत और मूल्य आयोग है, याद रखिएगा, यह कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है फ्रेंड्स, शुरू में इसका नाम केवल जो था मूल्य आयोग था, शुरू में इसका नाम जो था केवल मूल्य कृषि मूल्य आयोग इसका नाम था। 1965 में इसका स्थापना हुआ था इस आयोग का, और उस समय शुरू में नाम इसका केवल था कृषि मूल्य आयोग, याद रखिएगा। बाद में सन 1985 में इसका नाम बदल करके 1985 में नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो 1985 में यह नाम जो है निर्धारित कर दिया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग। लेकिन 1965 में जब ये बना उस समय इसका नाम क्या था, तो कृषि, देखिए यहाँ पर नीचे अंडरलाइन किए हैं कृषि पर और मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग इसका नाम था। ठीक है, तो यही सिफारिश करती है, इसी के सिफारिश पर जो है सरकार जो है कुछ उत्पादों पर समर्थन मूल्य घोषित करती है। प्रत्येक अगर कोई भी अगर कृषि होने वाला है, प्रत्येक फसल को बोने के समय उस समय जो है सरकार इसका आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसकी घोषणा करती है। जैसे कि अभी खरीफ फसल की बुआई होने वाली है, तो इस समय सरकार का कहना है कि 150% तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि 150% तक जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, खास तौर से जब फसल बेहतर हो तब समर्थन मूल्य की जरूरत होती है। फसल बेहतर होगा, दाम जो है ऑटोमेटिक गिरेगा, तो उसको नियंत्रण करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तो चाहिए, कम से कम उतना जरूर उसको मूल्य दिया जाए ताकि जितना उसका लागत लगा है उसका जीवन निर्वाह अच्छा हो सके, वह अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है उनके पैदावार का। ठीक है, आइए अगला पॉइंट को देख लेते हैं, देश में 26 कृषि उत्पादों पर सरकार जो है समर्थन मूल्य घोषित करती है। देश में 26 कृषि उत्पादों पर यह पूछा जाता है फ्रेंड्स, इनमें 7 जो है अनाज, अनाज में देख लीजिए, यह याद रखिएगा कितने अनाज हैं, कितने दलहन है और कितने तिलहन है। ठीक है, 7 अनाज है जिसमें कि धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। ठीक है, 7 अनाज, 5 दलहन है, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, 8 तिलहन, मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, बीज और कुसुमी और खुरसानी। कुसुम्बी और खुरसानी को आप लोग देखिएगा, ये आपको जरूर इसको सर्च करके आप लोग गूगल पे देखिए कि कैसा होता है। ठीक है, और चीज़ें तो जरूर देखे होइएगा, मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन के बीज, इससे भी तेल निकाला जाता है, सब तिलहन है। और इनके अलावा जो है फ्रेंड्स, जट्टा वाला या छीला नारियल, कपास, जूट और तंबाकू शामिल है। इतने जो है, इतने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार दिया करती है किसानों को। ठीक है, आइए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण होता है, तो न्यूनतम समर्थन का मूल्य जब निर्धारण होगा उसमें उत्पादन का लागत जो है ध्यान में रखा जाता है।
अर्थात किसी भी फसल का उत्पादन करने में कितना उसका लागत लगा है। उत्पादन लागत के अंतर्गत केवल पूंजी नहीं आता है कि उसमें नकद रुपया बस लगा दिया गया है, वही इसके अंतर्गत उत्पादन लागत के अंतर्गत उसमें आता है भूमि, भूमि जिसका भूमि है वह, उसके परिवार का लोग भी कुछ काम किया होगा, उसकी मजदूरी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा बीज का दाम है, उर्वरक का दाम है, सिंचाई का दाम है, मशीनों का उपयोग होगा, ट्रैक्टर या पंप सेट जो भी हो उसका भी दाम है, सबका जोड़ करके उत्पादन लागत निर्धारित की जाती है, ठीक है। और मानव श्रम भी लगता है फ्रेंड्स ऐसा, लेकिन अब सरकार की यह कोशिश है कि उत्पादन लागत से मानव श्रम को बाहर किया जाए, ठीक है, क्योंकि मानव श्रम को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कहना है कि अगर मानव श्रम का बाहर कर दिया जाए तो आपको उत्पादन लागत जो है काफ़ी कम आएगा। मानव श्रम जो है अगर लगता है कृषि में, मतलब कहने का मतलब ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मानव अगर काम करते हैं, मतलब मानव श्रम लगता है तो ज़्यादा उत्पादन लागत लगता है प्रोडक्शन करने में, अगर उसमें मानव श्रम कम लगता है मतलब तकनीक की सहायता ली जाती है तो उत्पादन लागत जो है थोड़ा कम लगता है, ठीक है। और किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तो उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति की स्थिति, मांग और आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है कि कितना उत्पादन है और कितना मांग है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। किसानों द्वारा भुगतान मूल्यों में परिवर्तन देश के सभी भागों में देखा जाता है कि किसानों को कितने जो है भुगतान किए गए हैं, उनको कितने मतलब मूल्यों में परिवर्तन कितना हुआ है, कि एक जगह कहीं और मूल्य मिल रहा है किसी फसल पर और दूसरे जगह पर देखा जा रहा है तो वहाँ पर किसी फसल के लिए अन्य मूल्य मिल रहा है, तो इन परिवर्तन को भी देखा जाता है, ठीक है। मंडी मूल्यों की ओर रुझान, अब यह भी देखा जाता है कि किसान जो है मार्केट की तरफ उनका कितना रुझान है। अब स्वाभाविक सी बात है जब उनका दाम नहीं मिलेगा तो रुझान तो उधर से कम हो ही जाएगा, किसान कोई चाहेगा कि जाके मार्केट में बेचें, बाजार में नहीं जाएगा, तो मंडी मूल्यों की ओर रुझान भी देखा जाता है कि कितना जो है उस ओर आकर्षित हो रहे हैं किसान। जीवन निर्वाह लागत पर प्रभाव, जीवन निर्वाह लागत पर भी प्रभाव देखा जाता है कि जीवन निर्वाह लागत पर प्रभाव कैसा पड़ता है, मतलब उनके जीवन स्तर, उनके अपने परिवार होंगे, उनके भरण पोषण के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि उसको भी ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें भी न हो, तो इन सारे को ध्यान में रख करके न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। और इसमें से फ्रेंड्स पूछा भी जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ये पूछा भी गया है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का क्या उद्देश्य है, सरकार क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का एक ही उद्देश्य है, देखिए फ्रेंड्स, कि संसाधनों के उपयोग का अनुकूलित करना, संसाधनों का उपयोग को अनुकूलित करना, अर्थात किसान जो है वह कृषि से दूर न भागें, ठीक है। कृषि में अपना कृषि में बहुत बड़ी रोजगार की संभावनाएं हैं, आजकल देख रहे हैं कि अधिकांश लोग जो है कृषि से दूर ही भागते हैं, शहर की तरफ पलायन करते हैं, लेकिन कृषि में अपार रोजगार की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो सरकार भी चाहती है कि उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाए, और बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। तो इस कारण भी न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, क्योंकि उतना तो मूल्य जरूर दीजिए, नहीं तो अगर दाम ही नहीं मिल पाएगा जितना हम लगा रहे हैं तो कौन खेती करना चाहेगा, इसी कारण जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, जो कि अगर ज़्यादा दाम अगर हो जाता है उस स्थिति में, ज़्यादा उत्पादन, सॉरी, ज़्यादा उत्पादन हो जाता है उस स्थिति में, दाम तो ऑटोमेटिक है गिर जाएगा ज़्यादा उत्पादन होगा तो। अगला पॉइंट को देख लेते हैं, नवीन तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मान लीजिए कि किसान है, नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, और ज़्यादा उत्पादन होगा तो दाम गिरेगा, और दाम गिरेगा तो कम दाम में बिकेगा, तो किसान कोई तकनीक का प्रयोग करेगा कभी नहीं करना चाहेगा, तो उस स्थिति में जब तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा फिर प्रोडक्शन गिरने लगेगा, किसानों को एक तरीके से बोलिए कि मन हटने लगेगा कृषि से। इसलिए सरकार चाहती है कि तकनीक का प्रयोग होते रहे और इस प्रकार से उत्पादन जो है बढ़ते रहे, और किसानों को कम से कम उतना वाजिब दाम मिलते रहे, ताकि वो किसान में किसान जो है खेती करते रहें। नहीं तो अगर खेती नहीं करेंगे तो सोचिए कि इतना बड़ी जनसंख्या के लिए खाने के लिए अन्न कहाँ से आएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स, इतना चीज़ें आप लोग देख लिए, दो चीज़ें और याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिखे नहीं हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के फायदे भी हैं, कुछ उसके हानि भी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के फायदे क्या हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के फायदे ये हैं कि किसानों के वाजिब दाम मिलता है, किसानों की आय में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, उनके जीवन स्तर में सुधार आता है, ठीक है। और एक तरीके से बोलिए कि जीवन उनकी आत्महत्या जो होती है वो रुकती है, नहीं तो आत्महत्या भी बहुत किसान कर लेते हैं, ठीक है, उस पर भी लगाम लगाया जा सकता है उनका वाजिब दाम दे करके फसलों का। लेकिन और दूसरा तरफ देखा जाए, इसका हानि भी है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि नए नए तकनीक का उपयोग हो रहा है, ज़्यादा उर्वरक का उपयोग हो रहा है, तो उस स्थिति में भूमि की उर्वरता भी क्षीण होती है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग हानि की तरफ ही बढ़ते हैं। एक और लाभ है कि कृषि, एक और इसका हानि है फ्रेंड्स, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का अगर देखा जाए तो दलहन में न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर देता है सरकार, तो
तो दलहन कुछ ही राज्यों में होती है, ठीक है। तो उसी स्थिति में क्या होता है कि जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है वो किसानों की आय जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और जिनको नहीं मिल पाता है उनकी आय तो कम रहती है। तो इस तरीके से आर्थिक विषमता उत्पन्न हो जाती है, ऊंच नीच की खाई। देखिए यहाँ पर आर्थिक डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जा रहा है, ऊंच नीच, ठीक है, तो इसकी खाई बढ़ती है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए भी सरकार काम करती है, और इसको आर्थिक समानता लाने के लिए भी न्यूनतम मूल्य देती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना ही चीज़ें थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।